Hello dear students, I hope you all are fine there. Welcome to Blueprint Digital. My name is Kanupriya, your English friend, your English dost. Today we are going to cover first poem of class 11, that is a photograph. Ek chitra, ek photograph. So what we are going to learn in this poem will just begin, but before that you need to keep two things in mind. Do cheeze aapko yaad rakhni hai. एक आपको बेल आइकन जरूर प्रेस करना है सब्सक्रिप्शन के साथ. डू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल एज सिट विद पेन एंड नोटबुक सो दैट वट एवर वी टीच हियर यू आर एबल टू राइट एवरीथिंग इन द नोटबुक. चलिए बिना डिले के स्टार्ट करते हैं. अ फोटोग्राफ रिटन बाय शर्ली टॉम्सन. अब ये पोएम क्या बताती है, एक फोटोग्राफ हमें क्या बताती है. आपके पास फोटोग्राफ होती है, वो क्या बता रही है. कुछ पुरानी यादें जो उनसे जुड़ी हैं और हम सोचते हैं हम कितने बुद्धू से दिखते थे, हम कैसे दिखते थे और वो टाइम कितना अच्छा था. बिल्कुल यही एक इमोशनल कंटेक्स्ट इस पोएम में भी बताया है. द पोएम हाइलाइट्स टुवर्ड्स द ट्रांजिएंस ऑफ एवरीथिंग. ये चीज बहुत की है इस पोएम में, की थिंग है इस पोएम की, कि लाइफ में कभी भी कुछ टेम्पररी पीरियड के लिए ही होता है, परमानेंट कुछ भी नहीं है हमारी लाइफ में. यहाँ पे भी यही बताया है. हमारी हंसी जो आज है वो टेम्पररी है. वी कैन नॉट बी हैप्पी ऑल द टाइम ऑफ आर लाइफ थ्रू आर लाइफ. अगर हमारा बचपन था तो वो भी ट्रांजिएंट था, लंबा टाइम था बचपन का, पर आज हमें वो बहुत छोटा टाइम लगता है. हम आज जिस पोजिशन पे हैं वो टाइम भी चला जाएगा और कुछ भी चीज़ ये कह सकते हैं कि स्टेबल नहीं है, परमानेंट नहीं है हमारी लाइफ में. The poem serves three different mood stages through the three stanzas. तीन अलग अलग चीजें बताई गई हैं. मैं आपको यही बता देती हूँ कि वो क्या तीन अलग अलग चीजें हैं, ठीक है. One is childhood. Second is laughter. Third is presence. मैम कुछ समझ में नहीं आया. डोंट वरी, आई हैव जस्ट रिटन द की वर्ड्स हियर. अभी पूरा आपको इन स्टैंजास से समझ में आएगा, बट ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. एक है चाइल्डहुड, दूसरा है लाफ्टर और तीसरी है प्रेजेंस. किसी का बचपन, किसी की हंसी और किसी की याद कि वो अब प्रेजेंट नहीं है, पहले कभी था, ठीक है. मोर ओवर देयर इज बिटरनेस ऑफ लॉस. इस पोएम में हम ये भी पढ़ने वाले हैं कि जब कोई चीज़ हमारे पास से लाइफ में हमारे पास से चली जाती है तो कितना दुख उस चीज़ को लेकर हम लोगों को होता है. देन इज द स्वीट मेमोरीज ऑफ द पास्ट. पास्ट की बहुत सुंदर यादें, ठीक है. और द रियलाइजेशन ऑफ द ब्रेविटी ऑफ ह्यूमन लाइफ. ब्रेविटी मीन्स द शॉर्टेज. एक लाइफ की कमी नहीं है हमारे पास, जिंदगी हम जी सकते हैं, बट वो जिंदगी के अच्छे पल इतनी जल्दी जल्दी चले जाते हैं कि हमें क्या लगता है कि ह्यूमन लाइफ बहुत छोटी है, ठीक है. द एग्जिस्टेंस इज नॉट सो लॉन्ग एंड द इनएबिलिटी टू जस्टिफाई डेथ. और कोई अगर हमारा पर्सन, हमारी इमोशन, हम इमोशनली जिससे अटैच हैं, कोई ऐसा पर्सन अगर हमारी लाइफ में से चला जाता है तो हम उस डेथ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं. हम बार बार उस पर्सन की यादों को याद करते रहते हैं. यादें कैसे जुड़ी होती हैं, कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज़ से. हम कोई भी चीज़ देखेंगे कि ऐसे बात होती थी, ये चीज़ वो यूज़ करते थे, ये टाइम ऐसा होता था. सो डेथ को हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है. तो चलिए, बहुत अच्छी पोयम है, हम सबकी एक कॉमन इमोशन से जुड़ी हुई है. सो लेट अस स्टार्ट विद स्टैंजा वन. स्टैंजा वन सेज द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज When the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand, and she, the big girl, some 12 years or so. There's no rhyme scheme followed here. कोई भी rhyme scheme follow नहीं हुई है यहाँ पर. एक चीज़ हम देख सकते हैं poem में जो हमें characters के through पता चल रहा है. कुछ characters हैं वो देख लेते हैं. My mother's hands, ठीक है. तो ये पोएट बता रही हैं अपनी मम्मी के बारे में, ठीक है. कैसे बता रही हैं अभी ये भी पता चलेगा. तो यहाँ पे बात कर रही हैं पोएट
अपनी मदर के बारे में, ठीक है? हर मदर. द कार्डबोर्ड, तो यहां पे कार्डबोर्ड बोला गया है पिक्चर को, ठीक है? एक पिक्चर है, एक पुरानी पिक्चर है जो कि कार्डबोर्ड के पीस पर, गत्ते के पीस पर चिपकी हुई है, ठीक है? हमारी आदत होती है, क्यों? क्योंकि हमें बचपन में जो फोटोग्राफ्स मिलती थी उनका बड़ा क्रेज होता था कि बचपन के जितनी फोटोग्राफ्स हैं उनको फोटो फ्रेम्स में लगाओ, बहुत ब्यूटीफुली रखो उसे, संजोकर. और ये हमारी एक ह्यूमन टेंडेंसी भी होती है कि हम लोग फोटोज को विजिट और रिविजिट करते रहते हैं, ठीक है? सो द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज. हाउ इट वॉज मीन्स द मदर्स चाइल्डहुड. मदर का बचपन कैसा था? हाउ हैप्पी, हाउ गेली इट वॉज. कितना अच्छा और खुशनुमा था. और ये किससे पता चल रहा है? एक छोटी सी पिक्चर से, जिसमें मदर किसके साथ हैं? दो अपनी कजन्स के साथ है, फीमेल कजन्स के साथ गई हुई हैं. कहाँ गई हुई हैं? पैडलिंग के लिए. पैडलिंग मीन्स रिवर साइड, वो स्विमिंग के लिए गए हुए हैं. अब रिवर में स्विमिंग कौन करता है मैम? एक्चुअली क्या होता है, शोर और बीच एरियाज क्या होते हैं, तो लोग वहाँ पे जैसे कहते हैं ना, हाथ पैर मारने और थोड़ी सी स्विमिंग स्किल्स को प्रैक्टिस करने या पानी में मज़ा लेने के लिए जाते हैं. जस्ट लाइक दैट पीपल रियली विजिटिंग बीच और सम स्पेंडिंग हॉलीडे और वेकेशंस देयर, ठीक है? ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड. और फोटो में उन्हें क्या दिख रहा है? दैट दीज टू गर्ल कजन्स आर होल्डिंग मदर्स हैंड्स. मतलब मदर इज इन द सेंटर, एक सिस्टर ने लेफ्ट हैंड पकड़ा हुआ है और दूसरी सिस्टर ने राइट हैंड, ठीक है? एंड शी द बिग वन, बिग गर्ल, सम 12 ईयर्स और सो. और वो कौन है? उनमें से सबसे बड़ी हैं, एल्डर हैं. और उनकी एज कितनी है? 12 ईयर्स. सो दिस इज द टाइम of mother's childhood when she is of 12 years of age and she has gone to riverside for swimming, ठीक है? तो इतना क्लियर हो रहा है. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मदर के पास्ट की. मदर के भी पास्ट में अगर हम बात करें तो हर चाइल्डहुड डेज, ठीक है? चाइल्डहुड डेज ऑफ मदर. आई होप आपको इतनी बात क्लियर है, ठीक है? चाइल्डहुड डेज ऑफ मदर की बात हो रही है जहां पे वो अपनी दो कजन्स के साथ गई हुई हैं, ठीक है? लेट अस डिस्कस स्टैंसा टू. ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा. अ स्वीट फेस माई मदर्स. दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस. Watch their terribly transient feet. This stanza covers what? Tender details. कि कैमरा से क्या क्या दिख रहा था, ठीक है? कैमरा से क्या दिख रहा था, मतलब एक कैमरा से क्या कैप्चर हुआ था, एक फोटो. एक फोटो में क्या देखा था हमने कि एक 12 year or so girl is standing there in the picture and two younger girls are standing holding each of her hands. ठीक है, यही देखा था कि एक girl है 12 साल और कुछ की और साथ में दो छोटी बहनें या कजिन्स हैं, दोनों साथ में खड़ी हुई हैं. दोनों ने एक एक बाजू जो हैंड है वो पकड़ा हुआ है, हैंड होल्डिंग है. और ये पिक्चर कहाँ की है? बीच की है, या आप कह सकते हैं वाटर रिवर साइड की है, ठीक है? जब वो स्विमिंग के लिए गए थे और वहाँ पे वो बहुत ब्राइट वाइड स्माइल के साथ खिलखिलाते हुए, क्योंकि छोटे बच्चों को बोलो कि आप हंसो तो वो बहुत जेंटल प्यारी स्माइल देता है, दैट नो वन वुड बी लेफ्ट अपीलिंग, ठीक है? इतनी प्यारी स्माइल होती है. तो थ्रू देयर हेयर, थ्रू देयर हेयर का मतलब क्या है? हवा चल रही है क्योंकि बीच वगैरह पे हैं, ठीक है? तो वो जो बाल हैं उनके, फोटो कैप्चर करते टाइम क्या था, हवा वगैरह चल रही थी तो बाल जो हैं उनके फेस पर आ जाते हैं, कुछ बाल उनके फेस पर आ जाते हैं. अब वो ऐसे आ जाए या ऐसे आ जाए, कैसे भी आ जाए, ठीक है? तो फेस पर थोड़े से बाल आ रहे हैं और उसके थ्रू जो पिक्चर आ रहा है वो उस इनोसेंट फेस को और क्यूट बना रहा है, ठीक है? एंड द अंकल विद द कैमरा, बिकॉज हु इज होल्डिंग द कैमरा हियर? अंकल. तो यहाँ पे पोयम में जो है कुछ टेंडर डिटेल्स, माइन्यूट डिटेल्स भी कैप्चर की गई है या बताई गई है, या ये कह सकते हैं कि जब भी पोएट या उसकी मदर पिक्चर देखते थे तो
उस टाइम तो इतना ध्यान नहीं रहा कि हम कैसे दिख रहे हैं, कैसे नहीं दिख रहे, पिक्चर कैसी क्लिक होगी, कैसी नहीं की होगी। बट पिक्चर को देखने के बाद उन्हें लगता था कि हम कैसे दिख रहे हैं, बाल सारे मुंह पे हैं, इतनी ब्रॉड वाइड स्माइल है। तो ये वो चीज़ें हैं जो मदर या पोएट ने खुद ऑब्जर्व की होंगी पिक्चर्स को देखकर। तो कैमरा यहाँ पे क्या करता है, उन सबकी बचपन की याद दिला देता है, इसलिए एक नॉस्टैल्जिया क्रिएट कर देता है, एक ऐसा टूल बन जाता है जो उनके कैमरा ने एक ऐसी याद कैप्चर कर लिया जिसको लेकर वो बाद में इमोशनल फील करेंगे। अ स्वीट फेस, किसका स्वीट फेस की बात हो रही है, माय मदर्स। तो पोएट क्या कहती है कि वो यहाँ पे हाईलाइट करती है अपने मदर के इनोसेंट फेस की, इनोसेंट चाइल्डहुड फेस। That was before I was born. और यहाँ पे एक डिस्टेंस की बात की गई है, एक टाइम डिस्टेंस की बात की गई है कि ये फोटो इतनी पुरानी है, मैं उस टाइम थी भी नहीं। ठीक है, पोएटिस यहाँ कहती हैं कि मैं उस टाइम थी भी नहीं तब की ये पिक्चर, एंड दैट इज ऑब्वियस कि ये मदर के बचपन की पिक्चर है। एंड टू सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, और यहाँ पे एक कॉन्ट्रास्ट शो किया गया है। कॉन्ट्रास्ट किसके बीच में शो किया गया है, सी के और ह्यूमंस के, sea and human life. Why? Because the things of nature are eternal. The things of nature are eternal. Sea क्या है, eternal है, ये कभी खत्म नहीं होगी। गंगा माता जो बह रही हैं, गंगा रिवर विच इज फ्लोइंग, ये एजेस एंड एजेस से, ठीक है, मैं कहूँगी युगों और युगों से बहती आ रही हैं। ठीक है, आज कलयुग चल रहा है वो द्वारपा युग और सतयुग उस समय से बहती आ रही हैं। तो सी क्या है, नेचर क्या है, वो एटर्नल है, बट देयर इज ट्रांजियंस ऑफ, टेम्पररी है कौन, ह्यूमन लाइफ, द लाइफ ऑफ ह्यूमन इज इन ट्रांजियंट। यहाँ पे इस वर्ड का यूज भी हुआ है, पर इस वर्ड का यूज हुआ है दूसरे तरीके से, मैं यहाँ पे बता देती हूँ क्या कंट्रास्ट है। सी जो है एटर्नल है, नेवर एंडिंग है, बट लाइफ ऑफ ह्यूमन इज ट्रांजियंट एंडिंग है, जिसकी क्या है, एक एंड डिसाइडेड है, और ये ज़्यादा नहीं बदली, बट मेरी लाइफ में बहुत कुछ बदल गया है। यहाँ पे एक और कंट्रास्ट दिखाया गया है, एक कंट्रास्ट तो ये हो गया, दूसरा कंट्रास्ट ये है दैट सी स्टिल देयर, सी अभी भी है बट उसकी मदर नहीं है। ये हमें अभी पता चलेगा कैसे नहीं है, मदर की डेथ हो चुकी है, किसकी, पोएट की। ठीक है, तो सी आज भी वही है जो उनके बचपन के टाइम में थी, सी आज भी वही है जो उनके ना होने के बाद भी है, बट मदर नहीं है। ठीक है, वॉज देयर टेरिबली ट्रांजियंट फीट, वॉज देयर टेरिबली ट्रांजियंट फीट का मतलब क्या है, विद द पैसेज ऑफ टाइम थिंग्स हैव चेंज्ड। ठीक है, सो मेनी थिंग्स हैव चेंज एंड सो मेनी थिंग्स हैव नॉट येट चेंज। तो क्या चेंज हुआ है, द मॉर्टल्स, और मॉर्टल किन्हें बोला गया है, द मॉर्टल्स ह्यूमन बींग्स को। वॉश देयर टेरिबली ट्रांजियंट फीट की टाइम ने क्या धो दिया है, जो फीट इम्प्रेशंस थे, ठीक है, जो सी की बीच पर फीट इम्प्रेशंस थे उनको धो दिया है, किसने, पानी ने धो दिया है, पानी से वो जो पैर की छाप मिट्टी पे आई होगी वो तो चली गई है, बट सी आज भी वही है। पैर की छाप क्या दिखाता है, कि एक पर्सन कभी किसी मोमेंट के लिए था और आज वो अलाइव नहीं है। ठीक है, टेरिबली ट्रांजियंट फीट, यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट का यूज किया गया है। ट्रांसफर्ड एपिथेट का यूज क्या होता है, मैं बता देती हूँ, जब किसी एक ऑब्जेक्ट की क्वालिटी हम दूसरे ऑब्जेक्ट को दे देते हैं उसे हम बोलते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। ठीक है, यहाँ फीट सी के नहीं है, ट्रांजियंट फीट, ट्रांजियंट मीन्स टेम्पररी, जिसकी उम्र ज्यादा ना हो, और फीट मतलब पैर, तो वो पैर जिनके जिनकी जिंदगी ज्यादा नहीं है, क्या पैरों की जिंदगी होती है, लाइफ ह्यूमन की एक लाइफ होती है, उसका एक टाइम पीरियड होता है, तो यहाँ पे फीट जो है किसके हैं, वो गर्ल के फीट। ठीक है, गर्ल के फीट है, गर्ल्स फीट आ देयर, बट ट्रांजियंट गर्ल आना चाहिए था, यहाँ पे यूज किया गया ट्रांजियंट फीट, क्योंकि गर्ल की एट्रीब्यूट हमने उसके फीट्स को दे दी है। फीट को भी क्यों दी है, ये दिखाते हैं, दिस शोज व्हाट, दिस शोज द फीट इंप्रेशन ऑन द सैंड। ठीक है, तो टेरिबली, टेरिबली क्यों है, क्योंकि यहां पे एक बहुत लॉस का
बहुत बड़े लॉस का जिक्र किया गया है, विच इज पेनफुल टू बी रियलाइज, जिसको सुनकर, जिसको समझकर, महसूस करके बहुत डर लगता है या बुरा लगता है या दुख होता है कि वो जो टाइम था वो टाइम भी नहीं है, वो गर्ल भी नहीं है, ये दुख बियरेबल नहीं है, ये पेन बियरेबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये फीट का, गर्ल का एट्रीब्यूट फीट को मिल गया है और ट्रांजिएंट कौन बन गए, फीट, इसलिए यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट भी है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत आता है, इस क्वेश्चन को स्टार कर लीजिए, आई अश्योर यू दिस क्वेश्चन इज ऑलवेज आस्क्ड इन एग्जाम, वॉज देयर टेरेबली ट्रांजिएंट फीट, एक्सप्लेन दिस लाइन, ठीक है। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस वॉज अबे देयर टेरेबली ट्रांजिएंट फीट, दैट with the passage of time the girl is no more there and the pain is unbearable, okay। before going to third paragraph ek aur poetic device dekh lete hain, that is alliteration। alliteration kahan kahan aaya hai, alliteration is there in line 1, stood still simile। ye poetic device kya hai, alliteration kya hai, jise aap hindi mein anupras jise aap alankar bhi jante hain, तो ये जो एलिट्रेशन है यहाँ पे स्टूड में एस साउंड, स्टिल में एस साउंड, स्माइल में एस साउंड, स्टार्टिंग की बिगिनिंग साउंड सिमिलर है किसी वर्ड की, तो यहाँ पे ये हो जाता है एलिट्रेशन, ओके। नेक्स्ट इज वी हैव एलिट्रेशन इन अदर लाइन, टेरेबली एंड ट्रांसिएंट, टेरेबली में ट, ट्रांसिएंट में टी, ट, ओके। द साउंड इज सिमिलर इन बोथ द वर्ड्स, ठीक है, और एक साथ ये वर्ड आ रहे हैं इसलिए यहाँ पे भी एलिट्रेशन है, तो लाइन में लिख लीजिए 1 एंड दिस इज लाइन नंबर 5, ओके। इन लाइन 1 एंड लाइन 5 वी हैव एलिट्रेशन। नाउ लेट अस स्विच ऑन टू थर्ड स्टैंजा, लेट अस सी स्टैंजा 3। सम 20-30 ईयर्स लेटर शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, सी बेटी एंड डॉली, शी वुड से and how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter, but both thrive with the labored ease of loss. So here, the poet has shown what? The mother's reaction on seeing the photo. ठीक है, फोटोग्राफ देखने के बाद मदर का रिएक्शन जो होता था वो हमेशा नॉस्टैल्जिया में कन्वर्ट होता था। नॉस्टैल्जिया मतलब एक बचपन की याद और उसको लेकर इमोशनल हो जाना, ठीक है। एक इमोशनल कॉन्टेक्स्ट दिखाया गया है मदर का जब भी वो फोटो को देखा करती थी, और ये तब है व्हेन द पोएट वाज अ चाइल्ड। यहाँ पे ये स्टेज तब है व्हेन द मदर इज मैरिड एंड द मदर ऑफ पोएट, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है पोएट्स चाइल्डहुड एंड द नॉस्टैल्जिया ऑफ मदर, नॉस्टैल्जिया ऑफ मदर on seeing the picture, on seeing the picture, okay। some 20 or 30 years later she would laugh at the snapshot, to kuch time period ki baat di gayi hai, after that time period she was somewhat 12 years in the picture, kuch 20-30 saal baad jab bhi wo picture ko dekhti thi wo hans padti thi। पैराग्राफ 1 में भी अगर हम देखें तो एक कॉमन चीज़ थी, वो थी हंसी। यहाँ पे भी हम इस पैराग्राफ में देखें तो वो भी है हंसी, ठीक है। शी सी बेटी एंड डॉली, और मदर क्या कहती थी, देखो ना बेटी और डॉली को, तो एक सिस्टर का नेम क्या था बेटी, दूसरी का नेम था डॉली, कि वो कैसे ड्रेस्ड अप हैं, कि हम लोगों को कैसे पेरेंट्स ने ड्रेसअप किया था, ठीक है। दे यहाँ पे पेरेंट्स को बोला गया है, पेरेंट्स ऑफ द गर्ल्स इन द पिक्चर, तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये छोटे छोटे एफर्ट्स भी जो होते हैं पेरेंट्स के, वो जब हम बड़े हो जाते हैं, चाहे हमें ड्रेसअप को लेकर हो या हमारी पिक्चर कैसे क्लिक हुई, हम कैसे स्माइल कर रहे थे, हम कितने इनोसेंट बुद्धू से थे, ये सारी चीज़ें क्या हैं, समय के साथ व्हेन अ पर्सन मैच्योर्स और ग्रोज, ठीक है, तब उसको रियलाइज होता है कि ये जो छोटे छोटे एफर्ट्स थे दे ऑल्सो बिकम अ मेजर इवेंट ऑफ आर लाइफ, हमारी लाइफ के एक बड़े किस्से बन जाते हैं। ड्रेस्ड अस फॉर द बीच द सी हॉलीडे एंड हियर द पोएट शर्ली टॉम्सन, द पोएटेस ब्रिंग्स आउट द कंट्रास्ट, कंट्रास्ट व्हाट, कंट्रास्ट इन द टू पास्ट,
इन टू पास्ट फेजेस. दो पास्ट फेजेस की यहां बात हो रही है. एक पास्ट है मदर का और दूसरा पास्ट है पोएट का, पोएटेस का. ठीक है, पोएटेस के लिए उसकी मदर की हंसी एक पास्ट है और उसकी मदर के लिए वो बचपन की फोटोग्राफ और वो बचपन की याद पास्ट थी. ठीक है, द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट. और यहाँ पे क्या बताया गया है कि मदर के लिए पास्ट का मोमेंट क्या था, वो सी हॉलीडे जिसको वो याद कर पाती हैं. माइंड इज हर लाफ्टर एंड सिंस द मदर हैज डाइड, सिंस द मदर हैज डाइड सो द लाफ्टर ऑफ द मदर इन द पोएम, सॉरी इन द फोटोग्राफ एज वेल एज द लाफ्टर विच शी यूज टू हैव आफ्टर सीइंग द फोटो इज ऑल्सो द पास्ट फॉर द पोएट. मैं फिर से बता देती हूँ, मदर जब भी बच्ची छोटी थी, पोएट जो थी वो छोटी थी, जब भी वो अपनी मदर को फोटो की तरफ हंसते हुए देखती थी, ठीक है, तो वो चीज़ अब नहीं है क्योंकि अब मदर नहीं देख पाएंगी फोटो को, उस चीज़ को नहीं महसूस कर पाएंगे, वो नॉस्टैल्जिया वापस से नहीं आ पाएगा. बट हाँ, आज वो इमोशन अटैच है कि किस तरीके से मदर की एक स्वीट स्माइल हुआ करती थी, एक जेंटल कैजुअल स्माइल हुआ करती थी फोटो को देखकर, और जब भी वो अपनी बचपन की याद को देखती थी, आज वो उस चीज़ को नहीं एक्सपीरियंस कर सकती. पोएट इस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर सकती. जैसे मदर जब बड़ी हो गई थी वो अपनी सी हॉलीडे को सेम तरीके से एक्सपीरियंस नहीं कर सकती थी, उसी तरीके से पोएट भी नहीं कर सकते. बोथ राइव विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस. और आज यही चीज़ को याद करके, ऑन रिकॉलिंग एंड रिमाइंडिंग दिस थिंग, ठीक है, ऑन रिमाइंडिंग दिस थिंग, यही इवेंट को, ऑन रिमाइंडिंग व्हाट, ऑन रिमाइंडिंग दीज मेमोरीज, ये यादें जब याद आती हैं तब दोनों के फेस पर एक कैजुअल स्माइल होती थी. ठीक है, राय मीन्स अ कैजुअल स्माइल, एक हल्की सी स्माइल जिसमें हम खुद ही सोते थे, कैसा टाइम था, मजाक सा उड़ जाता है. ठीक है, हंसी सी आ जाती है किसी मोमेंट को याद करके. विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, लेबर्ड ईज का मतलब क्या है, एक ऐसा लॉस जिसको बियर करना पड़ेगा, एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि वो चीज़ जा चुकी है बट फिर भी उसको बियर करना पड़ेगा. लेबर्ड ईज, मेहनत से, लेबर मतलब बहुत मुश्किल होती है उस चीज़ को नॉर्मलाइज करने में जिस चीज़ को हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे. डेथ को हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, मदर की डेथ पोएट एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं, मदर का बचपन मदर बड़े होने पे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं कि ये टाइम तो वापस नहीं आएगा, इसलिए दुख होता है उस टाइम को लेकर, बट फिर भी उसे नॉर्मलाइज करना है. वन नीड्स टू एक्सेप्ट द पास्ट बट दैट इज वेरी पेनफुल, वो बहुत पेनफुल होता है. किस चीज़ को समझ पाना कि ये जो नुकसान हमारा हुआ है समय के साथ एंड वॉज मेंट टू हैपन, क्योंकि यही रियलिटी है लाइफ की, ये बहुत डिफिकल्ट है समझ पाना. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. लेट अस डिस्कस अ पोएटिक डिवाइस हियर, दैट इज ऑक्सीमोरोन. अब ऑक्सीमोरोन क्या होता है, जब दो अपोजिट वर्ड्स एक साथ आते हैं किसी चीज की क्वालिटी बताने के लिए. ठीक है, दो एडजेक्टिव्स जो कि अपोजिट होते हैं और यूज किए जाते हैं किसी एक चीज को डिस्क्राइब करने के लिए, तब बोला जाता है ऑक्सीमोरोन. जैसे यहाँ पे लॉस को हमने दो वर्ड से डिस्क्राइब किया है, दैट इज लेबर्डीज. लेबर्डीज का मतलब क्या है, एक ऐसा दुख जिसका हम कभी भी हर जाना नहीं भर पाएंगे और हमें वो एक्सेप्ट भी करना है. तो यहाँ पे बहुत डाउन फील करती हैं पोएट अपनी मदर को याद करके, विद द मेमोरीज ऑफ द मदर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द लास्ट स्टैंसा. लेट अस बिगिन विद स्टैंसा 4, दैट इज द लास्ट स्टैंसा ऑफ द पोएम. स्टैंसा 4 सेज, नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी इयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड. And of this circumstance, there is nothing to say at all. It's silent silences. तो यहाँ पे जो है एक पोएम ने एंडिंग दी है जिसमें पोएट जो है बहुत ज़्यादा लॉस में और पेन में है इस टाइम. When she goes through those memories, when she relives those memories of her mother and the way her mother used to express her childhood days. Now she has been dead. तो ये लाइन हमें बताती है that the mother is now, she has died.
और कितने साल हुए उनको मरे हुए. एज दैट गर्ल लिव, दैट गर्ल की बात हो रही है, द गर्ल इन द फोटोग्राफ, द गर्ल इन द फोटोग्राफ. कि जितना टाइम हो गया है उस पास को गए हुए, उतना ही टाइम मदर को भी डेथ को हो गया है. एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस मीन्स द प्रेजेंट टाइम इज टॉक्ड अबाउट. प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है जब मदर पोएट के साथ नहीं है. व्हेन द मदर इज नॉट विद द पोएट देयर इज नथिंग टू से एट ऑल. और अगर अभी की बात करें, व्हेन शी रीलिव्स और रिकॉल्स दोज मेमोरी, जब वो याद करती है उन पुरानी चीज़ों को कि किस तरीके से मम्मी हंसा करती थी अपनी फ़ोटो देखकर, वो बताती थी कि उनका बचपन का ये वाला फेज कैसा था. दोनों में ही मदर की हंसी झलकती थी, मदर की फ़ोटो में भी, और मदर जब वो फ़ोटो को याद करके अपना वो इंस्टेंस मेमोरी को याद करती थी तब भी मदर की हंसी होती थी. बट आज वो हंसी गायब है. देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, जिसकी वजह से लॉस ऐसा है जो अनबियरेबल है. द लॉस इज अनबियरेबल. किस चीज का लॉस? मदर की डेथ का. ठीक है, इट्स साइलेंस मीन्स द साइलेंस ऑफ लाफ्टर. ठीक है, यहां पे बोला गया है इट्स साइलेंस, द साइलेंस ऑफ लाफ्टर, द साइलेंस ऑफ मदर, दैट इज द डेथ ऑफ मदर. मदर का ना होना और मदर की खुशी को ना देख पाना, मदर का साथ ना होना पोएट के लिए एक ऐसा लॉस है जिसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है और आज बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक और बैड फील करती है फॉर हर एब्सेंस. एंड शी सेज कि मेरे पास इसके बाद और कुछ कहने को है ही नहीं, क्योंकि जब भी वो मदर को याद करती है उनकी डेथ याद आ जाती है, उनका साथ ना होना याद आ जाता है. और दैट इज़ वॉट makes the poet silent. It makes the poet silent. The death of the mother makes the poet silent. ठीक है, तो चलिए इसमें poetic device देख लेते हैं. That is silence, silences. तो S and S in the beginning, right? This poem has been something which we can also relate. ठीक है, चलिए. आई होप यू अंडरस्टूड द पोएम टू द मैक्सिमम एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सो दैट जितने अच्छे से आपको समझ में आई आपके फ्रेंड्स भी समझ जाए. वील मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर और अ पोएम. सेइंग गुड बाय फॉर टुडे, बट स्टे ट्यून्ड. बाय बाय.